हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके पावरफुल स्टडी चैनल पर। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से युवाओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाने के संबंध में जब से सूचना जारी की गई है, तभी से सभी छात्रों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं। उनका क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा, रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पर होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, एज कितनी होनी चाहिए, क्या मुझे इस बार जो है 2021 में पास आउट हो चुका हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सभी छात्रों के मन में, उन्हीं सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में डाउट क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, कैसे आपको मिलेगा और कितनी एज होनी चाहिए, यानी कि सभी डाउट्स को आज भी इस वीडियो में क्लियर करने वाले हूँ। और बहुत सारे छात्र जो पिछली वीडियो में अभी जस्ट इसके पिछली वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था सर बीएड वालों को, बीटीसी वालों को, ज़्यादा कमेंट इसी तरीके से आया था बीएड और बीटीसी वालों को, तो इस वीडियो में ये भी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, और भी कोई आपके पास डाउट होगा जरूर वीडियो देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको लगभग वीडियो में सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो क्वेश्चन है और उनका यानी कि जवाब क्या है, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर बने रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीएड बीटीसी वालों को टैबलेट मिलेगा या नहीं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोंटी तालियान जी का क्वेश्चन है, सर बीएड वालों को टैबलेट मिलेगा या नहीं। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ 100% आपको टैबलेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, शर्तों को यदि आप पूरा करते हैं तभी आपको टैबलेट मिलेगा। यानी कि यह शर्त है कि यदि आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है यदि आप कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि भले से ही आपका बैक पेपर लग गया, यानी कि बैक पेपर आपका लग गया हो और आप इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं आपको मिलेगी, यानी कि यदि आपका जो समय यानी कि दो साल का जो समय होता है, यानी मान लीजिए 6 अगस्त से शुरू होता है, जैसे 6 अगस्त 2019 में आप एडमिशन लिए हैं और इस समय आपका कंप्लीट हो चुका फोर्थ सेमेस्टर, तो आपको नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। यदि आपका जो तीसरा सेमेस्टर या समझ लीजिए आपका दूसरा साल चल रहा है तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, और आपका नया एडमिशन में तब भी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र जो होते हैं वह ट्वेल्थ के बाद बीए करते हैं, ठीक है, बीए करते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, लगभग इतना ही करते हैं, और कुछ छात्र एमए कर लेते हैं। तो जो छात्र एमए और बीए फाइनल कर चुके हैं उन छात्रों को मिलेगा या नहीं, देखिए दोस्तों, जो जिस छात्र का इस साल कंप्लीट हो गया है यानी 2021 में वो परीक्षा दिया है और उसका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, उसको टैबलेट नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि यदि आपका जैसे इस साल तीसरा है, यानी तीसरा साल है बीए जो 3 साल का होता है, उसमें यदि आपका तीसरा साल इस बार हो यानी 2022 में परीक्षा देने वाले हो, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यदि आपका कंप्लीट हो चुका 2021 में परीक्षा दे चुके हैं तो आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि आप जैसे बीए के बाद एमए कर ले रहे हैं तो आपको मिलेगा, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका। और हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर टैबलेट मिलेगा या नहीं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, टैबलेट दिया जाएगा आपको जल्द ही, या 2 नवंबर से शुरुआत बांटा जाएगा, और आपको मैं इसका एक अलग से बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में कि आपको इसका कब तक मिलेगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आगे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, एज कितनी, ये बहुत ज़्यादा छात्रों का कन्फ्यूजन है कि सर एज कितनी होनी चाहिए, एज का उन्होंने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बताया था कि 18 से 25 वर्ष के उम्र वाले छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अभी इसका संशोधन कर दिया है, यानी कि यदि आपका जो 12th बाद यदि आपका जो एडमिशन हो किसी भी यानी डिग्री या डिप्लोमा किसी भी कुछ में भी एडमिशन हुआ हो तो आपको इसका लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी एज से मतलब नहीं है, यानी कि आपकी उम्र चाहे 16 साल हो 5 महीने या 17 साल हो या 17.5 साल हो या 18 साल से कम ही हो तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बस आपका जो है यानी कि 12th पास हो और आपको डिग्री यानी कि बीए बीएससी बीकॉम या कोई पॉलिटेक्निक कर रहा हो तो आपको मिलेगा, ये 100% है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई भी मतलब होगा। देखिए दोस्तों, अलग अलग छात्र अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका जवाब मैं आपको, बहुत सारे छात्रों का इस तरह का क्वेश्चन होगा जरूर, आप जरूर वीडियो को ध्यान से देखिए, भी मज़ा आएगा आपको आगे, यानी कि आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सीरियसली मिले या ना मिले हो वो टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कोई मतलब रहेगा, तो यहाँ पे ये रोल है कि यहाँ पे परसेंटेज का कुछ नहीं मतलब, यानी कि आप चाहे 48% ग्रेजुएशन में पाए हो पूरा मिला करके, चाहे 50 पाए हो, उससे नहीं मतलब है। बस आपका जैसे मान लीजिए इस बार बीए सेकेंड ईयर में हो या बीए थर्ड ईयर में हो और या चाहे एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको मिलेगा, यानी बस आपका एडमिशन, यहाँ पे इन्होंने बताया कि बस आप आगे की पढ़ाई करो आपको मिलेगा, बस यदि आपका जो मान लीजिए एमए की जो
लास्ट ईयर है और ख़त्म, यानी परीक्षा दे चुके हैं तो आपको नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने बता चुका हूँ और बी ए फर्स्ट ईयर में हूँ तो मुझे मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जरूर मिलेगा आपको, चाहे आप 16 साल के हो चाहे 17 साल को, मिलेगा इसका लाभ। तो ये चीज़ें हो गई। और किस डेट को ऑनलाइन फॉर्म भरा गया, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं इसका जवाब दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना ही नहीं, आपको 100% नहीं करना रजिस्ट्रेशन। ये जो छात्र यहाँ पर मैं आपको जो आप थंबनेल पे देखे होंगे जैम पोर्टल से सरकार खरीदेगी टैबलेट, ठीक है, खरीदने की बात चल रही थी। बहुत सारे छात्र जो वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि जैम पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वो सरकार उस जो एक वेबसाइट होती है जिसपे निष्पक्ष तरीके से खरीदारी की जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई घपला उपला नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की बात, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको जो यदि आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए, कॉलेज से ही एक लिस्ट बनाई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में उसका प्रूफ भी दिखाया था कि जिला अधिकारी के द्वारा सभी स्कूलों में एक छः सदस्यीय वहाँ पे गठित की जाएगी टीम, तो वह टीम जाकर के स्कूल में सारी डेटा लेगी, स्कूल में कितने छात्र पढ़ रहे हैं कितने छात्र नहीं, तो ये चीज़ें हैं। वहाँ पे जाकर के एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा, 2 नवंबर तक डेटा आ जाएगा, और लगभग आपको यहाँ पे मैं बता दूँ 10 नवंबर से आपको 100% इसका टैबलेट का लाभ मिलने लगेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, यदि आपको कोई क्वेश्चन रह गया तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगली वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।